लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसानों के ऊपर लाठिया चार्ज हुई, किसान के ऊपर लगातार पुलिस दमन की बर्बरता व्यवहार हो रही है। जिस तरह से किसान लगातार दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और किसान के आंदोलन को लेकर जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह 6 बजे से करकरार की ठंड में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए हैं और आज एक दिवसीय उपवास का भी उन्होंने कार्यक्रम रखा है और सरकार के दमन के ऊपर लगातार आंदोलन कर रहे हैं पप्पू यादव। यानी 26 तारीख को पटना में ट्रैक्टर रैली निकाले थे और आज पप्पू यादव ने उपवास रखा है और गांधी मूर्ति के नीचे ही धरने पर बैठ गए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन और मोर्चा खोल चुके हैं और कह रहे हैं कि अभी तक जितने किसान मरे हैं उनके परिवार से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मिलने गए। जिस तरह से किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हमला हुआ उनसे हालचाल लेने नहीं गए और बीजेपी के लोग उनके रैली में शामिल हो गए और आंदोलन करने लगे और लाल किले के ऊपर चढ़ गए। इसको लेकर पप्पू यादव ने आज पूरी तरह से आंदोलन खोल चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पप्पू यादव गांधी मूर्ति के नीचे आंदोलन करने के लिए बैठ चुके हैं। और इस मुद्दे पर पप्पू यादव जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। 133 किसान अभी तक मर चुके हैं, आप या मोदी जी या आपकी सरकार क्या उस 133 परिवार में किसी से मिले? कल आपको अचानक ये याद कैसे आ गई? चोट लगा है आपको, किसान याद नहीं आए? 63 दिन शिमला से ज्यादा ठंडों में हमारी मां बहन बैठी है तब आपको हम याद नहीं आए? आपने एक साजिश के तहत किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने का आदेश दिया और उसमें अपनी जमात को इन्वॉल्व किया ताकि कॉमन मैन और किसान के बीच टकराहट पैदा किया जाए, जबकि एक भी साइकिल मोटरसाइकिल एक भी दुकान को कोई टच तक नहीं हुआ। फिर आईटीओ गोलंबर पर 10,000 किसान को ले जाने की साजिश किसने रची और जो किसान ट्रैक्टर से पलटे क्या उसको आंसू गैस के गोले के बाद अनबैलेंस के बाद क्या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग में किया? क्या आपने जुडिशियल इंक्वायरी को स्वीकार किया? आप सिर्फ किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ट्रैक्टर रैली के इजाजत के बाद आपने गहरी साजिश रची